बेअहसास का शुमार असर हाजिर के मायना फिक्शन निगारों में होता है। वो बेकवक अफसाना निगार सहाफी महकी नकार एक अच्छे उस्ताद थे। उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से किया। वो एक फिक्री अफसाना निगार थे जहाँ तसन्नो नाम का भी नहीं। उनका मतला बेहद वसी था और किसी भी मौजू पर गुफ्तगू से पहले अंग्रेजी के साथ मुताला करते हैं। बेअहसास अपने फिक्शन में किफायती लफ्जी से काम लेते हैं और अपनी बात नहायत नबेतुल अंदाज में कहते हैं। वो लफ्जों और जुमलों का अंबार नहीं लगाते बल्कि कम से कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा मानी व मतारिक को अदा करने के हुनर से बखूबी वाकिफ हैं। उनके अफसानों में जबान की सादगी सलासत विचित्रगी और ताजगी पाई जाती है। उनके यहाँ मौजू का तनों पाया जाता है। वो अपने अफसानों में किसी भी मौजू को दोहराते नहीं बल्कि उनका हर एक अफसाना दूसरे अफसाने से मुख्तलिफ होता है या मौजू को बिल्कुल नए पेराए में पेश करते हैं कि वो नया मालूम होता है। इस सिलसिले में सलीमान अतहर जावेद रकम तराज हैं। बेअहसास के पास मौजूआत का तनो है। अपने दर्ज बयान में ऐसी लोचो लचक रखते हैं कि हर मौजू का हक अदा हो जाता है। बाद अफसानों में चौंकाने वाला पेराया और चौंका देने वाला अंजाम अफसानों को निखार देता है। जैसा कि अर्ज किया गया है कि उनके अफसाने फिक्री गहराई के हामिल होते हैं। इस फिक्री आंसर ने उनके यहाँ जामियत पैदा कर दी है। यूं भी वो एक को छोड़कर उनके अफसाने ऐसे तभी नहीं वो किफायती लफ्जे से काम लेते हैं और कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात कर देते हैं। उनके लिए अफसाने मशहूर हैं। खुशाए मुंदम 1993 दोहम्बर 2015 शायद होकर कारीन की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। उनके अफसानी मजमू दोहम्मा को सन 2017 ईस्वी में साहित्य अकादमी एजाज से नवाजा गया। दोहम्मा में शामिल तमाम अफसाने मौजू अफन के अतबार से कुदरत के हामिल हैं। मजमू को उनवान ही अपने आप में मुनफरद और अनोखा है जो कारी को अपनी जानी मुतवज्जो करता है। धार साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता अफसानी मजमू दोहम्मा में शामिल एक शाहकार और लाजवाब अफसाना है। एक मुख्तसर अफसाना होने के बावजूद कौमी और बैन अवी सतह पर मुसलमानों को दरपेश बहुत सारे मसाइल और परेशानियों का अहाता करता है और बताता है कि मुसलमान अपनी मसाइल से कैसे निपटने की कोशिश करते हैं और उन्हें समाजी तौर पर कैसे बर्ताव का सामना करना पड़ता है। मजबूरन वर्षों से आबाद इलाके को खराबाद करना पड़ता है। बेटा बाप से इजाज़ लेकर चला तो जाता है लेकिन बहरों की नजर में शबाहत की क्या हैसियत रखती है और इसकी वजह से क्या मसला दरपेश आता है। चुनांचा वो बैरून मुल्क की एयरपोर्ट पर कदम रखता है तो ये कहकर रोक दिया जाता है कि उसकी शक्ल शबाहत बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दों से मिलती है। इस मौके पर इस्लामी शबाहत की मालिक बेटी को बिजली की करंट से लगती है। वो तफ्तीश के मराहिल से गुजरता है। उसके पास किसी भी किस्म की जनाबे सुदूर मोहतरम असाज़ा कराम मौजूद मेहमाना और अजीज तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का उन्वान है अब्दुल समद के नावलों में एहतजाज की बाजगश। एहतजाज एक ऐसा लफ्ज है जिसके मानी हुज्जत के इनकार के हैं लेकिन ये महज एक इनकारी लफ्ज नहीं है बल्कि एक ऐसा मुखालिफाना रवैया और जज्बा है जो इंसान के दिलो दिमाग में उस वक्त पनपता है जब उसकी ज़रूरियात और मामूलात में खलल पैदा होती है। इसी तनाजिर में जब हम अपनी तहजीब और सकाफत का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये एहतजाजी रवैया इंसान के इरतकाई सफर से जुड़ा हुआ है और अहद बहद इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में तकाज़े वक्त के मुताबिक नुमाया होता रहा है जिससे हमारी ज़िंदगी कभी मस्बत तो कभी मनफी तौर पर असरअंदाज होती रहती है। इस अहम तब्दीली का अक्स अदब पर ना पड़े कैसे मुमकिन है क्योंकि अदब का जो मिजाज है वो एहतजाजी रवैये से पाक रही नहीं सकता। तारीख शाहिद है कि उर्दू अदब रूहानियत मशरकी तमद्दुन कदरों और अखलाक व आदाब के माहौल का परवरदा रहा है और जब जब इन औसाफ पर कोई आँच आई है अदब ने न सिर्फ रवायात से इनहराब किया है बल्कि ज़िंदगी के रोशन और तारीख पहलुओं को अवामी हिस्सियत और उससे जुड़े नत नए तकाजों को मौज़े सुखन भी बनाया। इस नाज़िर में जो हम देखते हैं तो 20वीं सदी की 8वीं दहाई में मुआसिर उर्दू फिक्शन निगारों का एक ऐसा गिरोह हमारे सामने आया जिन्होंने मुल्क व समाज में फैले इंसानी ज़िंदगी का इंतशार और उसकी आला कदरों को पामाल करने वाले हालात व मसाइल के खिलाफ सदाए एहतजाज नज़र आता है जिसमें एक नुमाया और मोतबर नाम अभी
जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सबिहा का पहला सेमिनार था और माशाल्लाह बहुत कामयाबी से उसने अपना मकाला पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से सबिहा। और अभी जो हमारी नज़रें देख रही थी कोलकाता से आलिया यूनिवर्सिटी से दरक्षा साहिबा तशरीफ लाई, सुबह बनारस, बनारस जिसके लिए मशहूर है, उस बनारस की नगरी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ऋषि कुमार शर्मा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। दो दो सुदूर आसनसोल की सरजमीन से यहाँ आए हैं, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम और आसनसोल बीबी कॉलेज से डॉक्टर मशकूर मोइनी साहब। मैं आप सबके हुजूर एक शेर से पेश करके अपनी बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। सबको मैंने सबका नाम लिया है और वाकई मेहमानान की हम दिल से कद्र करते हैं, ये हमारी रिवायत है, ये हमारी तहजीब है कि हम जिन्हें बुलाते हैं उन्हें सर आँखों पर बिठाते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। आप हमारे दयार में आए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज के इस सेशन में डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम को भी मकाला पढ़ना है, लेकिन चूंकि वो देर से आए इसलिए मैं पहले डॉक्टर महजबी से पेपर पढ़वा लूंगी, उसके बाद उनसे इल्तमास करूंगी कि वो स्टेज को रौनक बख्शें। सबसे पहले मैं अपने शोबे की उस्तानी डॉक्टर महजबी से इल्तमास करूंगी कि वो आए। और ये भी बताती चलूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो इस सेमिनार की कन्वेनर हैं, तो कल से आज तक बड़ी मसरूफ रही हैं, इसलिए वो जितना पढ़ें जैसा पढ़ें जिस चीज़ से हमें नवाज दें हमें कबूल है। एक शेर से उन्हें बुलाना चाहूंगी कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। डॉक्टर महजरी प्लीज। डाइस पे बैठे हुए सुदूर और मौजिज हाजरीन महफिल, तुलबा व तालिबान, मेरी कोलीग्स, सबों को मेरा सलाम। मैं ये बताती चलूँ कि मैं कोटेशन छोड़ दूँगी, हस कर दूँगी, जो मैंने लिखा है वही पढ़ूँगी। और दूसरी बात कि तवील तो है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितना शॉर्ट कर सकूँ उतना करूँ। मेरे मकाले का मौजू है गजनफर अली के अफसानों में असरे हाजे के मसाइल। गजनफर साहब का शुमार मौजूदा दौर के बेहतरीन फिक्शन निगारों में होता है। वैसे तो बहसियत नावल निगार नावल पानी और नावल दोया बानी लिखकर उर्दू अदब में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मैं कुछ छोड़ती हुई जा रही क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, हमारे पास वक्त की कमी है और स्पीकर बहुत ज़्यादा हैं जी। इनका पहला अफसाना टेरिकॉट का सूट 1973 ईस्वी में मंजरे आम पर आया। फिर छोड़ती हूँ मैं और थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। वो एक हसास और हकीकत पसंद अफसाना निगार हैं, यही वजह है कि जमाने के उतार चढ़ाव ने इनके दिलो दिमाग पर ऐसा असर सब्त किया कि वो अफसानवी मजमुआ हैरत फरोश की शक्ल लेकर दुनिया अदब के मसाइल को पेश करने की जसारत कर रही। टू द पॉइंट, खालिद का कदना गजनफर साहब का एक अहम अफसाना है जो एक बच्चे खालिद के घर घूमता है। खालिद के घर खुशियों का माहौल है, जिस तकरीब की तारीख टलती चली आ रही थी अब वो तय पा चुकी है। पाकिस्तान से खाला खालू भी आ चुके हैं और अरब वाले मामू ममानी भी तशरीफ ला चुके हैं। घर भरा हुआ मुख्तलिफ रंगों की लाइट से चमक रहा है, आंगन में चिमचिमाती हुई चांदनी रोशनी भी गहर रही है। बाहर के बरामदे में बड़ी देग चढ़ी चढ़ चुकी थी, बिरयानी सी खुशबू से निकल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए।
बच्चों की किलकारियां घर और आंगन में गूंजने लगी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। खालिद के अम्मी अबू बहुत खुश नजर आ रहे थे। तकरीब का आखिरी मरहला शुरू हुआ। मेहमान बरामदों और कमरों से निकलकर आंगन में आ चुके थे। आंगन में फूलदार चादर बिछ चुकी थी। बुजुर्ग नाई अपनी बगजी खोले उस्तरा निकाल अब खालिद को पुकारा गया, मगर खालिद कहीं नहीं था। बच्चों से भी पूछताछ की गई, सब ने नफे में सर हिलाया। अब्बू अम्मी की तशवीश और बढ़ गई। हर लोग खालिद की खोज में जुट गए। अब्बू ढूंढते हुए कबाड़ी वाले अंधेर कोठरी तक पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में देखा कि खालिद एक कोने में बैठा है। खालिद के खतना वाली बात छुपाई गई थी। अब्बू के कहने पर उसने कहा कि खतना नहीं करवाएंगे। किसी तरह खालिद को कोठरी से बाहर निकाला गया। खालिद अपनी अम्मी से मुखातिब होकर कहने लगा, मैं खतना नहीं करवाना चाहता। अम्मी ने उसे बहुत प्यार से समझाया और थोड़ा छोड़कर मैं और आगे बढ़ जाती हूँ। अम्मी ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि ठीक है, पर नए कपड़े तो पहन लो, सारे बच्चे नए कपड़े पहन चुके हैं। अरब वाले मामू ने ताली की आवाज पर दौड़ने वाली कार भी पेश की, मगर खालिद इनकार करता रहा। खालिद के अबू झिझला कर उसे उसकी पैंट नीचे की तरफ खींचते हैं, सरकाते हैं। खालिद रोती हुई आवाज में कहता है, अम्मी मैं खतना करवाने से नहीं डरता, दर्द ही नहीं निकालेगा बल्कि अपने इर्द गिर्द लकड़ियां भी जमा करके खुद उस पर बैठ जाएगा। उसके सुर में मदहोश होकर दूसरे चरिंदों परी उसके घेरे में आ जाएंगे। उस वक्त तक सुर लगाता रहेगा जब तक शोले ना भड़क उठे, और शोले में कुकुंस के साथ साथ दूसरे चरिंदों परिंद आतिशे नजर हो जाए। लेकिन कुकुंस की यह फजलियत है कि इसकी राख से दोबारा उसके एक और बल्कि कई हमजाद पैदा हो जाए। ये सच है कि इंसान के अंदर जब हवस, तलाल, लालच या और फरेब वगैरह आ जाता है तो इंसान का ज़मीर फना हो जाता है, मगर इंसान के लालच की कोई हद नहीं होती, बल्कि एक ख्वाहिश से दूसरी ख्वाहिश सर उठाने लगती है। बिल्कुल गालिब के उस शेर की तरह, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरी अरमान। बुजुर्ग शख्स इस कुकनस को सरसब्ज कत्ते में रखने को कहा, और जैसे ही ये कुकनस सरसब्ज कत्ते में पहुँच कर अपनी राख छेड़ने लगा, गोल के गोल परिंदे उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, और देखते देखते आग की लय दरख्त फूल पत्ते पेड़ पौधे चरिंद परिंद सबों को राख कर गए। बागवान परेशान हो गए और तहफ्फुज़ का ख्याल सताने लगा, लिहाजा कुकुंस की कैद के लिए एक बड़े शिकारी को बुलाया गया, मगर वो भी नाकामयाब रहा। कुकुंस गुस्से में तिलमिला कर और भूख यानी सुर और तेज कर दी। आग के शोले और तेज से भड़कने लगे, फिर अचानक सुर बंद हो गई। मालूम हुआ कि कुकुंस मारा गया बल्कि खुद जलकर राख। गजनफर साहब ने यहाँ दरअसल मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों की तरफ दबी छुपी लफ्जों में ये वादा करते हैं, कुकुंस बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये थी डॉक्टर महजली, जिनसे अभी आप उनका गुरमाज मकाला समाप्त फरमा रहे थे। हाजरीन, कहने दीजिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब की अक्कासी हमारे इस छोटे से हॉल में भी हो रही है। मैं सिर्फ एक मिनट में ये बताती चलूँ कि यहाँ पर ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बंगाल
विंग के सेक्रेटरी दलजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे भाई हैं दलजीत सिंह। और कल के पूरे प्रोग्राम का कवरेज इन्होंने किया और मुख्तलिफ अखबारात में शाये कराया, यूट्यूब पे दिया। मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ दलजीत भाई कि भाई वाकई आपका यह कर्ज हम कैसे उतारें। आप आए, बहुत ही बेहद शुक्रिया। उस गंगा जमनी तहजीब की दूसरी निशानी हमारे ऋषि कुमार शर्मा, हमारे बिरादर अजीज जो यहाँ तशरीफ फरमा है, या आसनसोल में मुसलसल कई बरसों तक इन्होंने तदरीसी खिदमत अंजाम दी है हाजी कदम रसूल हाई स्कूल में। अभी वो मौजूदा जमाने में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ फरमा है। तो ये उसके अलावा जो कल भी और आज भी हमारे इस कॉलेज के जो हमारे बिरादरान वतन हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा थे। तो एक मिनी हिंदुस्तान का नमूना हम लोगों ने यहाँ पे पेश किया, गंगा जमनी तहजीब का नमूना, क्योंकि वो शेर है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। कल ये बताया गया था कि फिक्शन, कल ये बताया गया था कि फिक्शन भी मोहब्बत का दूसरा नाम है, फिक्शन से मोहब्बत को बढ़ावा मिलता है, मोहब्बत लेकर आगे बढ़ती है फिक्शन को, और फिक्शन जो देता है वो मोहब्बत है। तो इसी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, हम सबसे पहले इल्तमास करेंगे आज के इसी सेशन के हमारे एक मौजूद मेहमान डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम से कि वो स्टेज में जलवा अफरोज हों। डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के सदर शोभा हैं, हमारे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के शोभा उर्दू के कोऑर्डिनेटर हैं, और भी मुतअद्दिद तंजीमों से वो जुड़े हुए हैं। मैं इल्तमास करूंगी कि वो स्टेज की जीनत बने, और तालिबात से तलबा से कहूंगी कि उन्हें सबसे पहले बैच का नजराना पेश किया जाए, गुल पेश किया जाए। अशफाक आप आए और बैच पहनाए सर को, और उन्हें उनके हुजूर गुल पेश किया जाए। पहले आप बैच लगाएं। एक चूक जो हम लोगों से ये हुई है वो ये कि हमारे मेहमानों के लिए फाइल का भी इंतजाम है, जो हमने अपने मेहमानों के हुजूर अभी तक पेश नहीं किया। मैं बच्चियों से कहूँगी, शाहीन से और सफिया और सुल्ताना जितनी यहाँ पे मौजूद हैं, कि वो आएँ और हमारे मेहमानों के हुजूर फाइल पेश करें। डॉक्टर उमर गजाली साहब को, डॉक्टर दबीर अहमद को, हमारे उधर इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब को, डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम साहब को, सबों को फाइल पेश किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जोरदार तालियों से डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम का इस्तकबाल करें। और अब मैं उनसे इल्तमास करूंगी कि वो आए, चूंकि उनको महजबी से पहले पढ़ना था, लेकिन चूंकि वो देर से आए थे तो मैंने उन्हें थोड़ा सा आराम करने का मौका दिया। मैं उनसे इल्तमास करूंगी कि वो आएँ और अपना पेपर हम सबके हवाले करें, यहाँ पे लोग मुंतजर हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने उनका नाम लिया भी था, और ये शेर के शुक्रिया, तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। तो आप आ गई हैं, आपका खैर मकदम है, क्योंकि आपको दूसरे सेशन में पढ़ना है, इसीलिए मैंने फूलों से आपका इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन हमारे दिली जज्बात आपके मुंतजिर थे, और दिली जज्बात का इजहार हमने किया इस शेर के जरिए, उसे कबूल करें। और अब मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम से इल्तमास करूंगी कि वो आए और अपना मकाला पेश करें। शुक्रिया, बहुत ही खुशी की बात है कि आज फिर एक बार टीडीबी कॉलेज रानीगंज में तशरीफ लाने का मौका मुझे मिला, और काबिले मुबारकबाद हैं तमाम यहाँ के असातिज़ा,
तलबा व तालिबात जिन्होंने इतना अच्छा ये दो रोज़ा कौमी सेमिनार जो है इनका शुक्रिया अदा करूँगा और मुबारकबाद दूँगा इसलिए कि अगर इनकी कोशिशें ना होती तो शायद आसनसोल में इस तरह का सेमिनार का इनेकाद न होता। मनी बंगाल उर्दू अकेडमी की अगर ये कोशिश ना होती तो इस तरह से आसनसोल में ये जो अदबी माहौल आज देखने को हमें मिल रहा है इस तरह के सेमिनार का इनेकाद न किया जाता। इसके लिए इनको जो है ढेर सारे मुबारकबाद और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज किया कुवड़ जो मुझे बेहद पसंद आया और मैं उस अफसाने से काफ़ी मुतासर हुआ, उसी हवाले से मैं चंद बातें जो है गोश गुजार करूँगा। उर्दू अफसानवी तारीख का जब हम बगौर मुताला करते हैं तो खुलकर ये बात हमारे सामने आती है कि हर दौर और हर इलाके में कुछ ऐसे बाकमाल अफसाना निगार उभर कर सामने आए हैं जिनके मखसूस अफसानवी तख्लीकात और उसलूब निगारिशात ने उर्दू अफसानवी अदब के सरमाए को वकी किया है। शौकत हयात का शुमार भी ऐसे बाकमाल अफसाना निगारों में होता है। शौकत हयात का नाम 70 की दहाई में उभर कर सामने आया जो जदीदियत की लाई हुई अलामत निगारी तजरीदियत और उसूल पसंदी के कच्चे पक्के तसव्वुरात से ज़हन मुंतशिर था, मगर ये कि नए लिखने वाले की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो किस नौ के अफसाने खल्क करें। इस ज़मन में अगर ये बात कह दूँ तो शायद ये अवस ना हो कि इस बात को समझने से उस वक्त के नक्काद भी कासिर थे। वो वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए ताल से ताल बजा रहे थे, लेकिन असल में क्लासिकी अदब के तनाजुर में ही वो अपनी तख्लीकात को पेश कर रहे थे। लेकिन इस हद में भी कुछ अफसाना निगार ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए खुद रास्ता बनाया और रिवायत की बुतशकनी की और अपने बनाए हुए रास्ते पर चल पड़े। इस जमन में वारिस अलवी शौकत हयात के मुतालिक अपनी राय कायम करते हुए लिखते हैं, कोट, शौकत हयात उन जयाले लोगों में हैं जो न कि किसी नक्काद की तवज्जो की परवाह करते हैं, न दूसरों की बख्शी हुई बैसाखियों पर राह अदब तय करते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने इजहार बयान के तरीके आप ही एजाद करते हैं। शौकत हयात की अफसाना निगारी वारिस अलवी गुंबद के कबूतर शौकत हयात। शौकत हयात की अफसाना निगारी से रगबत के पीछे इनकी उत्तर तबा का बड़ा हाथ है, बड़ा क्योंकि वो एक हसास और जदमिल और जदमन दिल रखते थे। चुनांचे उनकी तबीयत उनके जज्बाती रद्दमल का इजहार भी चाहती थी, लेकिन उनकी धीमी और नरम तबीयत किसी नारेबाजी या हंगामे की मुतहमल भी नहीं हो सकती। अफसाने का फन बालिग नजरी बारीक बीनी और नरम रही का मतकाबी होता है। गरज ये कि शौकत हयात होशमंदी और सुलझी हुई तबीयत ने वजह तौर पर इसे अपने फिक्री व जज्बाती रद्द अमल के इजहार के लिए मौजू वसीला समझा। वो ये कि वो इंसान के दुख दर्द इसकी छोटी बड़ी खुशियाँ कामरानियाँ व महरूमियाँ हर पहलू और हर जज्बे की तस्वीर कशी को रहनुमाय फन बनाया और मकसदियत को हमेशा पेश नज़र रखा। शौकत हयात की इंसान दोस्ती और दर्दमंदी का जज्बा व नस्ल आदम के दरमियान किसी भी किस्म की तफरीक को पसंद नहीं करता, लेकिन ये तफरीक असली समाज में इन्हें हर तरफ नजर आती है। खुदगर्ज और मफाद परस्त इंसानों ने जिंदगी से लेकर मौत तक दर्जों में बांट रखा है और इन दर्जों के हवालों से इंसान को आला व अदना का मियाद मुकर्रर कर दिया। ताहम वो समझते हैं कि इंसान समाज की ये दर्जा बंदी इंसानी जिंदगी और समाज में नाहमवारी पैदा करने का सबब है। इनका ख्याल है कि ये समाजी नाहमवारी इंसान के दुखों की असल वजह है। यही वजह है कि समाज में नाहमवारी पैदा करने वाले ऐसे अनासिर के महत्व की कशी नहीं करते, इनके खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद करते हैं। अगरचे इनके एहतजाज की लहर में बुलंदबाज नारों की सूरत में नुमाया होती हैं, बल्कि नहायत धीमी सुरों और नरम रवि में ऐसी लहरों की सूरत में उभर कर सामने आती हैं जो गहरी काट की हामिल होती हैं और कारी के एहसास को झिझोड़ कर रख देती हैं।
शौकत हया के अफसानों का अगर हम मुताला करते हैं तो ये बात तंत्र मुनकशिफ होती है कि शौकत हयात को न सिर्फ समाजी और तबकाती तफरीक और तबकाती नफसियात से वाकफियत थी, बल्कि इस नौयत का इन्हें बखूबी एहसास था। यही वजह है कि इनके एहसास इनके अफसानों के यहाँ को इनके अफसानों के यहाँ ज़िंदगी की हकीकतों का इजहार पाया जाता है। इनके अफसाने इनके एहसास के वह इजहार हैं जिससे हमारा असली समाज आज भी दो चार है। इसी तनाजिर में इनका अफसाना कुबड़ को देखा जा सकता है। अफसाने कुबड़ में इनका जो उसलूब है बिल्कुल ही सहले मुमतना है, बिल्कुल ही सादा है। और सत्तर की दहाई में लिखने के बावजूद जब इस अफसाने का हम मुताला करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये अफसाना उस वक्त में जब जदीदियत की लहर बहुत तेज थी उस जमाने में लिखा गया हो और शौकत हयात ने इस तरह से इसको लिखा कि ये बिल्कुल आज का अफसाना मालूम होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि शौकत हयात पर जो है हम किसी भी तरह का लेबल चस्पा नहीं कर सकते हैं, ना के जदीदियत, ना के तरक्की पसंदी, ना के जदीदियत, ना के बाबा जदीदियत। दो रोज से मुस्तकिल जागा हुआ था, आज शायद कुछ सुकून होने का मौका से सोने का मौका मिला। हालांकि सुबह सवेरे उठकर भाई को हवाई अड्डे तक अलविदा कहने के लिए जाना था और यही नहीं घर के सारे अफराद को वहां तक पहुंचाने का एहतमाम करना था। उस पर यह कि गाड़ियों की हड़ताल थी, वो इस उधर बुन में था कि किस तरह यह सब हौसलों को भी अंजाम देगा। अम्मा ने हुक्म साबित कर दिया कि इसे भी शाम वाली गाड़ी पकड़ लेनी है ताकि सुबह 11 बजे तक दिल्ली पहुँच जाए। इसका भाई सुबह की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होगा और 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएगा। वहां भाई से हवाई अड्डे पर मिलेगा, इसे रात में 2:30 बजे न्यूयॉर्क की फ्लाइट में सवार कर लेगा। दरअसल अफसाने में और अगर साले मुमतना की बात करें, अगर हम देखते हैं तो अफसाने कुबड़ में जिस अखलाकी कदरों के जिस सवाल को यहाँ पेश किया गया है कि ये जो मौजू है आज भी कोई भी हमारे मुआशरे में हमारे समाज ये देते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से हम तरक्की करें। और हम जब तरक्की का जीना तय कर लेते हैं, हम जब तरक्की कर लेते हैं उस वक्त हम उन भाइयों को भूल जाते हैं, बहनों को भूल जाते हैं, वालदैन को भूल। हमारे अखलाकी कदरें और हमारी मादियत परस्ती जैसे अफसाना ने और हमारी मादियत परस्ती जिसे अफसाना निगार ने बड़ी फनकाराना अंदाज में यहाँ पेश किया है। अफसाना निगार की इन्हीं खसूसियत की बिना पर गोपीचंद नारंग ने इनके ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात कही है और मैं इसी कोट के साथ इस एतबार के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि शौकत हयात हमारे उन अफसाना निगारों को समझते हैं, वो अदब और अदबी मसाइल के बारे में संजीदगी से सोचते हैं और इजहार ख्याल करते हैं। वो अपने अफसानों में अदबियत और समाजी एहसास व शऊर दोनों पर इसरार करते हैं, वो इस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अच्छे एक तरह से कहा जाए कि एक अच्छे ओरेटर भी वो हैं, कॉलम नवीस और मगरिब बंगाल की उर्दू एकेडमी के गवर्निंग बॉडी के रुकन जनाब इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब, मैं उनसे इल्तमास करूंगी कि वो आए और अपना मकाला यहाँ पे पेश करें। एक शेर इनके लिए अर्ज करना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने चूंकि इनका शोभा बिल्कुल इंजीनियरिंग का बिल्कुल अलग शोभा है, लेकिन उसके बावजूद ये उर्दू से इतनी मोहब्बत करते हैं, उर्दू अदब से जुड़े रहे कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। इंजीनियर खुर्शीद गनी का अच्छा बोलना आपसे सीखा, सब मैं बोलूंगा। मर्द चाहे शेर हो या शेर बबर, लेकिन इसकी सवारी गॉडेस दुर्गा ही करती है,
नारी ही करती है। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। मैं बहुत बहुत ममनून मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साबरा खातून हिना का। इनका मैं आभारी हूँ और इनके साथियों का जिन्होंने मौका दिया कि मैं आप लोगों के दरमियान आ करके कुछ सीखूं, कुछ सुनूं और अपनी बात भी आपके सामने रखूं। मेरे मकाला का उन्वान है असली मसाइल और उर्दू फिक्शन। अगर आप हिंदुस्तान की करेंसी नोट यानी रुपया उठाकर देखें तो इसमें हुकूमत हिंद की जानिब से 16 जबानें छपी हुई मिलेंगी। इन जबानों में सबसे नीचे उर्दू जबान है। नीचे पड़े रहने का मतलब ये नहीं कि सबसे कमतर जबान है, बल्कि असल मानी ये है कि बुनियादी जबान है। क्योंकि बुनियादी एट सबसे नीचे रहती है और ये हकीकत है कि बुनियादी ईंट को कभी ताज नहीं पहनाया जाता और न इनाम से नवाजा जाता है। लिखना और साहब किताब होना खुद एक इनाम है और अगर अवार्ड मिल जाए तो ये बोनस है और कभी कभी अवार्ड वापसी के भी काम आता है। उर्दू जबान व अदब का दायरा इतना वसी है जितना कि दीगर जबानों का है। फिक्शन के ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि आधे हाजिर में इसका कैनवस काफ़ी वसी है। इंसानी ज़िंदगी और माशरे का कोई काबिल ज़िक्र मौजू ऐसा नहीं जो इस कैनवस पर आज मौजूद नहीं है। इस वसी कैनवस से चंद मशहूर और मारूफ फिक्शन निगारों के फिक्शन पेश खिदमत हैं जिन्होंने ऐसे अहम मुल्की और आलमी वाक़यात को कलम बंद किया जिन वाक़यात ने दुनिया के रुख को मोड़ डाला है। एटमी जंगों के पस मंज़र में हैदर कुरैशी का अफसाना हवा की तलाश और अहमद नदीम कासमी का अफसाना हिरोशिमा से पहले हिरोशिमा के बाद, दोनों अफसानों में बड़ी सियासी ताकतों के लालच की वजह से टकराव और टकराव से तबाही का पता चलता है। ये दोनों अफसाने बड़ी मेहनत और अर्क रीजी से लिखे गए हैं जिनमें एहसास और तजर्बे की सदाकत है। पुरतलैन हैदर का नावल आग का दरिया जो मुल्क के बंटवारे के ताल्लुक से एक शाहकार की हैसियत रखता है, इस पर तबसरा करते हुए डॉक्टर मुबीन सिद्दीकी लिखते हैं कि आग का दरिया अपने अहद का वन पीस है। डॉक्टर सलीम खां का नावल आतिश सलीम 9/11 के बाद का अमेरिका के रवैये और उसके जुल्म की दास्तान से इबारत है। इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती में 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग से पैदा होने वाले हालात की भरपूर अक्कासी की गई है। अपने तबसरा में लिखते हैं कि इंतज़ार हुसैन का सुलगते मसाइल पर लिखना और अपने मखसूस असलूब में लिखना उनकी इंफ्रादियत है। ग्लोबल वार्मिंग पर नजमा महमूद का फिक्शन जंगल की आवाज़ की हैसियत एक संग मील की है। उन्होंने अपने दिलफरेब असलूब और
अपने विजन से फिक्शन को दर्जा कमाल तक पहुंचाया है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से शौकत हयात का अफसानवी मजमूआ गुंबद के कबूतर को अदबी दुनिया में कौन नहीं जानता। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की कदीम रवायत समाजी इकदार जवाल और तबाही की कभी ना भूलने वाली कहानी है। डॉक्टर असलम जमशेदपुरी का अफसाना पानी और प्यास और सादका नवाब शहर का अफसाना मीटर गिरता है, दोनों अफसाने पानी की किल्लत को उजागर करते हैं। बस उर्दू फिक्शन में हर दौर के मसाइल का जिक्र रहा है, जिसकी वजह से उर्दू फिक्शन का समंदर इतना वसी है कि इसे कूजे में बंद करना मुमकिन नहीं। जहाँ तक मौजूदा दौर का ताल्लुक है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इस दौर के अदब में मसाइल का जिक्र आटे में नमक के बराबर मालूम पड़ता है। अच्छा समाज या अच्छा अदब उसी वक्त मुमकिन है जब समाज से ज़्यादा सवाल पूछे जाएं और समाज में डर का माहौल ना हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अच्छी तरह सवाल करना निश्चिल्म है। ये हकीकत है कि आज के समाज में चारों तरफ डर का माहौल है और ऐसा महसूस होता है कि दीवारों के भी कान लगे हुए हैं। के साथ वक्त भी गुजर रहा है और हमारे मौजूद मेहमान की बारी है। अब मैं जिन्हें यहाँ बुलाने जा रही हूँ, आप सब उनसे वाकिफ हैं। यह हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ सब के मेंबर भी हैं और हमारे बड़े काम आते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। सभी लोग पहचानते भी हैं, अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं, लेकिन आज हम इनसे इनका मकाला सुनेंगे और बहुत ही खुलूस से मिलते हैं। आप लोगों को वो शेर याद होगा कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। पूरे हॉल में सिर्फ दो ही लोग दराज कद हैं, एक हमारे शहाबुद्दीन साकिब सर और एक हमारे डॉक्टर उमर गजाली साहब। तो बहरहाल मैं उन्हें बड़े खुलूस से आवाज़ देना चाहूँगी इस शेर के साथ के मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आप प्लीज तशरीफ लाएं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबरा खातून मीना साहब। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि दो दराज कद यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये आप ज़रूर जानते हैं कि पूरी महफिल में और शोबे में दो ही भारी भरकम शख्सियात हैं, जो एक स्टेज पे हैं और एक सामने की सफ में है। सुदूर मोहतरम प्रोफेसर शहाबुद्दीन सातिब साहब, प्रोफेसर सले अब्राहिम साहब, मेरे बरदर मुकरम प्रोफेसर डॉक्टर जबीर अहमद साहब, इंजीनियर साहब फारूक आजम साहब, डॉक्टर साबरा खातून मीना साहब, सदर शोभा पीजी डिपार्टमेंट टीडीबी कॉलेज डॉक्टर बेंजमी साहब, डॉक्टर ईश्वर बेताब साहब, डॉक्टर राशिद साहब, डॉक्टर मोहम्मद शमशेर आलम साहब, मौसूफ साहब, शम्स नदीम साहब, नदीम शाबानी साहब, यूसफी साहब और कदम रसूल स्कूल के मौजूद उस्ताद ऋषि कुमार शर्मा जी, हमारे छोटे भाई मशकूर मोइनी साहब, आलिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दरक्षा जर्री साहिबा और दीगर तमाम तलबा व तालबात। वक्त दामनगीर है, मैं यहाँ जरीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनका ख्याल करते हुए मैं मुख्तसर ही पढ़ूँगा इनकी मबादियात, मसाइल और इम्कान का हवाला।
इंसानी अफकार की तरसील के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। शोरा अपने अशार के ज़रिए अपनी फ़िक्र उजागर करते हैं, मुसव्विर अपनी मुसव्वरी के ज़रिए अपनी फ़िक्र की तर्जुमानी करते हैं, एक मुजस्मा साज अपनी फ़िक्री बसीरत अपनी मुजस्मा साजी के ज़रिए आया करता है, और एक फिक्शन निगार अपनी फ़िक्री बसारत अपने फ़न के ज़रिए पेश करने की सही करता है। फिक्शन का कैनवस काफ़ी वसी है। इब्तदाई ज़माने में दास्तानों की अहमियत उसी वजह से रही। दास्तानवी अदब ने अरबी और फारसी अदब को फ़रोग दिया, वहीं से उर्दू अदब में दास्तानों की आमद हुई। दास्तानों की तवालत ने नावल की जानिब तवज्जो मंजूर की, और नावल के साथ अफसानों ने भी अदब में अपनी जगह मुसल्लम कर ली। उर्दू नावल की इब्तदा 19वीं सदी ईस्वी से हुई और उर्दू अफसाने 20वीं सदी से लिखे जाने लगे, यानी उर्दू नावल की तारीख 150 साल पर मुहित है और उर्दू अफसाने ने अपनी सदी मुकम्मल कर ली। अदब अपने अहद का तर्जुमान होता है, इसीलिए किसी अहद को समझना हो तो उस ज़माने के अदब का मुताला नागुज़ीर है। जब ज़माना बदलता है तो उसकी कदरें तब्दील होती हैं और अदब का मिजाज भी तब्दीली पर आमादा होता है। उर्दू में दास्तानों के बाद नावल की इब्तदा भी ज़माने के तब्दील शुदा अहदार का इशारिया है। अंग्रेज़ी अदब के मुताले ने हमें नावल से करीब तर कर दिया, साथ ही अंग्रेज़ी हुकूमत की कारफरमाइयाँ भी दरपेश रहीं। उर्दू नावल की इब्तदा इस्लाही और तारीखी नावल से होती है, जो वक्त की ज़रूरत भी थी। उर्दू अफसाने की इब्तदा भी अपने वक्त की ज़रूरियात को मलबूस रखते हुए हुई, जिनके असरात हमने देखे हैं। वक्त अपनी ज़रूरत के तहत अदब तख्लीक करवा देता है। उर्दू नावल और अफसाने ने भी वक्त को हाथ से जाने नहीं दिया। उर्दू फिक्शन वक्त की आवाज़ बनकर हमेशा आगे मंजिल की जानिब दवा दबा रहा। वक्त बदला, मौजूआत बदले, गालिब व मगलूब के दरमियान उर्दू फिक्शन आगे बढ़ता रहा। हाकिम व महकूम की कैफियत उनमें उजागर होती रही। वक्त के हालात, ज़माने का कर, मगलूबियत का एहसास और महकूबियत का जबर, ये तमाम अनासर उनमें मुजज़म होते रहे। हमने वक्फे वक्फे से उर्दू फिक्शन के ज़रिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश की। तरक्की पसंदी के ज़माने में उर्दू फिक्शन ने अलम बगावत बुलंद किया। एक नज़रिया साज तहरीक ने अदब का रिश्ता बराह रास्त समाज और ज़िंदगी से जोड़ दिया। इश्तराकियत अपनी बुलंदी पर आमादा रही, इज्तमाईयत अपने दामन को वसी करती रही। अदब में हकीकत पसंदी का बोल बाला हुआ। अंग्रेज़ों से आज़ादी, सरमायादारों से आज़ादी, ज़मींदारों से आज़ादी, जागीरदारों से आज़ादी, दकयालूसी नज़रियों से आज़ादी, रस्म व रिवाज की पाबंदियों से आज़ादी, और यहाँ तक कि उन तमाम अवामिल से आज़ादी जिसने हमें ज़हनी और फिक्री तौर पर गुलाम बना रखा था। हल्का अरबाब ज़ौक़ के तहत भी अदब की बाज़ियाबत की गई। आज़ादी हिंद से कब्र के वाक़ियात हालात की अक्कासी भी उर्दू नावल और अफसाने में बदर्जे अदब हुई है। इंसानी नज़रियात की कसम कुर्सी हमने देखी है, किस तरह एक इंसान दूसरे इंसान की पाबंदी का जिम्मेदार होता नजर आ रहा है। हुकूमत वक्त की कारस्तानियाँ हमारी जिम्मेदारियाँ बनती चली गई। हम सोचने समझने से कासिद रहे। आज़ादी का वक्त आया तो मुल्क दो हिस्सों में बटा पाया। ऐसा लगा कि दस्तबाजू एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। रात था कितना सहर का इंतजार, अब ये गम है क्यों सवेरा हुआ। सानहे तकसीम हिंद ने बड़े सदीर के लोगों के दिलों पर कारी जख्म लगाया। मासूम आवाम सियासी फैसले के शिकार हुए, लोग अपने अपने घरों से बेघरी के शिकार हुए, हिजरत के तमाशे देखे गए। जो कुछ भी हुआ उसका असर गरीब आवाम पर बराह रास्त पड़ा। फिरका वाराना फसादात रुनुमा हुए। हिंदो पाक के बेशुमार लोगों ने तर्क वतन किया और वो जोग्राफियाई हदबंदियों से जकड़े गए। सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत साजी की खातिर तकसीम हिंद का एक अहम फैसला लिया। इस फैसले के तहत दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ महाजराई की। दोनों मुल्कों के आवाम एक दूसरे के खिलाफ हो गए और तकसीम हिंद के इब्तदाई 9-10 महीने में 1,40,00,000 हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को बेघरी का शिकार होना पड़ा। अपना घर अपना ना रहा, अपना दोस्त ही मुहाफिज होने के बजाय कत्लो गारत गरी पे आमादा नजर आया। किसी का कोई पुरसाने हाल ना रहा। अपनायत अजनबियत में तब्दील होती गई। ऐसे हालात में तकरीबन 6,00,000 अफराद कत्ल हुए और 1,00,000 लड़कियां अगवा हुईं। गुमशुदगी में इजाफा हुआ और इंसानियत पामाल हुई। आज़ादी हिंद